ओके एससीवी वन चैप्टर फोर द फोर्सेस क्वेश्चन पर शॉर्ट आंसर्स. पहला क्वेश्चन देखेंगे. द बॉडी ऑफ मास एम इज प्लेस ऑन द टेबल. द अर्थ इज पुलिंग द बॉडी विद द फोर्स एम जी टेकिंग दिस फोर्स टू बी द एक्शन. व्हाट इज द रिएक्शन. तो ये एक्शन है, मास को अर्थ नीचे खींच रही, तो मास अर्थ को ऊपर खींचेगा. सेम फोर्स है इन अपोजिट डायरेक्शन. एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. बॉय सिटिंग ऑन द चेयर प्लेस ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम राइट एज मेनी एक्शन रिएक्शन पेयर्स ऑफ द फोर्सेज एज यू कैन. तो सबसे पहले बॉय पे देखते हैं इसके ऊपर. ये सपोज ये बॉय है, ठीक है, उसको अर्थ नीचे खींचेगी एम वन जी से. ठीक है, तो ये एम वन जी हो जाएगा. एक मिनट, ये एम वन जी, तो ये भी अर्थ को ऊपर पुल करेगा एम वन जी से. तो एक्शन रिएक्शन. ठीक है, उसके बाद एक्शन ऑफ फोर्स ऑन चेयर. ये बॉय चेयर को नीचे एन वन से प्रेस करेगा. ठीक है, एन वन से प्रेस करेगा, ये चेयर उसको ऊपर पुश करेगी एन वन से. तो एक्शन रिएक्शन हो गया जी, बॉय का चेयर के ऊपर और चेयर का बॉय के ऊपर. ठीक है, नाउ ये दो पेयर हो गए. इसमें चेयर का देखते हैं. ऑन चेयर एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम टू जी, अर्थ उसको नीचे खींचेगी एम टू जी से. ठीक है, तो ये अर्थ को ऊपर खींचेगी एम टू जी से. तो एक्शन रिएक्शन अपवर्ड डाउन अप है ना. उसके बाद एक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट बाय द बॉय, बाय द बॉय. ठीक है, तो एन वन से प्रेस कर रहा है वो, चेयर को एन वन से प्रेस कर रहे. ठीक है, चेयर भी रिएक्ट करेगी एन वन से ऊपर. थर्ड फोर्स देखते कौन सा. एक्शन फोर्स ऑफ चेयर ऑन द अर्थ सरफेस, ये सरफेस पर है. तो यहाँ पे देखते थोड़ा सा चेंज कर लेते. देखो यहाँ पे देखो, सपोज ये अर्थ सरफेस है, चेयर उसको सरफेस को नीचे पुश कर रही है, एन टू एक्शन हो गया. सरफेस उसको ऊपर पुश करेगी एन टू से. ठीक है, तो लेट्स सी एक्शन फोर्स ऑफ द चेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एन टू डाउनवर्ड. रिएक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द चेयर अपवर्ड. तो यहाँ पे एन टू लिखो, ये सरफेस का एक्शन रिएक्शन हो गया. तो ये पेयर्स हैं, ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस एम वन एम टू जी का सेंटर पे एम टू जी है ना. ये मास है उसका बॉडी का, दिस इज द मास ऑफ द बॉडी. चेयर का मास हमने एम टू लिया. ठीक है, सबके पेयर हो गए. देखो एम टू जी का इधर, एन वन का इधर, और सरफेस का एन टू ऊपर, एक्शन नीचे, और ये गॉट इट. नाउ अर्थ का देखते हैं. एक्शन फोर्स ऑफ बॉय ऑन इट, ऑफ बॉय. ठीक है, तो बॉय अर्थ को ऊपर खींच रहा है. ये अर्थ का सेंटर है सपोज, कितना एम वन जी से. तो अर्थ उसको नीचे खींचेगी एम वन जी से. ठीक है, ऑल राइट. तो लेट्स सी नेक्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट वन जो है एक्शन फोर्स ऑफ चेयर ऑन इट. एक्शन फोर्स चेयर अर्थ को ऊपर खींच रही एम टू जी से. तो ये चेयर को नीचे खींचेगी अर्थ एम टू जी से. तो एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ चेयर ऑन द अर्थ इज, इट मीन्स अर्थ ऑन अर्थ. ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स ऑफ अर्थ ऑन चेयर, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट. ऑल राइट, थर्ड पेयर देखें. एक्शन फोर्स ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, सपोज ये अर्थ की सरफेस हमने ले ली. ठीक है, तो एक्शन फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ उसको ऐसे रिएक्ट कर रही एन टू से.
एक्शन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब पहले ये ला लो, ये चेयर उसको N2 से दबा रही है नीचे, तो रिएक्शन फोर्स ऑफ इट ऑन द चेयर, रिएक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ, तो अर्थ ऐसे रिएक्ट करेगी ऊपर N2 से, तो इसका पेयर ये M1G का नीचे और M2G का पेयर ऐसे, चेयर एंड अर्थ एक दूसरे को ऊपर नीचे खींचेंगे ना, दीज आर द पेयर्स, रिपीट हुए हैं सारे, डबल डबल में आए हैं देखो, है ना, क्लियर, तो दीज आर द एक्शन रिएक्शन फोर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लॉयर एलिजेज इन द कोर्ट दैट पुलिस हैज फोर्स इज क्लाइंट टू इशू स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इट इज, फोर्स जो है कैसा टाइप का है, इट कैन बी साइकोलॉजिकल फोर्स एंड अदर वन कैन बी फिजिकल फोर्स लाइक बीटिंग, है ना, मैन हैंडलिंग, तो इन केस, इन द सेकेंड केस इट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जब उसको बीटिंग कर रहे हैं, है ना, साइकोलॉजिकल में उसको डराना फियर, तो उसके लिए नथिंग दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, केमिकल रिएक्शंस उसमें हो रही है ना, बट फिजिकल फोर्सेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है, व्हेन यू होल्ड ए पेन एंड राइट योर नोटबुक व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज एग्जर्टेड बाय यू ऑन द पेन, पेन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से प्रेस कर होल्ड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं ये, और नोटबुक बाय द पेन ऑन द नोटबुक, ओके, व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेज एग्जर्टेड बाय यू ऑन पेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाय द पेन ऑन नोटबुक, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बाय यू एंड नोटबुक, वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, गैप है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स टच करने से होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दूर से भी एक्ट होता है। इज इट ट्रू दैट रिएक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर, यस, सिमिलर काइंड्स के लिए सिमिलर रिएक्शंस होती हैं, ग्रेविटेशन के लिए ग्रेविटेशन होगी, ऑलराइट, तो सपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट्स वेरीज विद द डिस्टेंस बिटवीन देम एज शोन, न्यूक्लियर फोर्स कर दिया, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर फोर्स टू द कूलम फोर्स फॉर वेरियस डिस्टेंसेज, ये फर्मी में दिए, कूलम फोर्स का फार्मूला ये होता है FC इज इक्वल टू 9×10⁻⁹ इंटू मॉड ऑफ Q1 एंड Q2 अपॉन R2। सपोज पहले डिस्टेंस 8 है यहाँ कहीं पर, करिस्पॉन्डिंग टू दिस न्यूक्लियर फोर्स इज क्लोज टू 1/4 ऑफ द 0.25 के आसपास है, देखो इससे भी कम है थोड़ा, तो टेंटेटिव आंसर निकाल लें हम लोग, ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियर फोर्स इसमें से रीडिंग कर लिया, ठीक है, 0.25 और कूलम फोर्स निकाल लिया ये फार्मूले से, 3.6 आएगा, तो रेशियो 0.7, सिमिलरली सेकंड केस के लिए भी क्लोज टू दिस ईयर है 0.7, थर्ड केस में एट 2 फर्मी कूलम फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगा, डिस्टेंस 1/4 हुआ ना, तो ये हो गया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं बार बार, इसमें 4 टाइम्स हो गया था, ठीक है, नाउ करिस्पॉन्डिंग टू 2 फर्मी देखते कितना आ रहा है, 2 फर्मी के आसपास ये 10 के आसपास है ना, तो हमने 10 लिया है, और ये तुम्हारा कूलम फोर्स तो 0.17, अभी बढ़ना, अभी रेशियो जो है इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है, नाउ फोर्थ केस में एट x=1 फर्मी, ठीक है, तो इट इज़ मोर देन 100, कितना लिया हमने 100 एंड 1000 के बीच में 1/3 गैप एक्यूपाई कर रहे हैं, तो 333 के आसपास 1/3 ऑफ दैट है ना 1000, मिडवे पे 500 तो उससे कम लिया, तो 333 तो डिवाइड किया ये 64 टाइम्स हो जाएगा, डिस्टेंस जो है 1/8 टाइम्स हो गई, तो स्क्वायर होकर 64 ऊपर आ गया, तो 1.4, अभी देखो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ना शुरू हो गया, 1 फर्मी के डिस्टेंस पर, इट इज़ नाउ लीडिंग, तो फॉर द डिस्टेंस 1 फर्मी आर लेस न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स एंड इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स,
डिस्टेंस कम होती है तो ये स्ट्रांग होता चला जाता है, 1 फर्मी या उससे कम है तो इसका वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लिस्ट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी इन द फिगर। ये ब्लॉक बी हमने बना लिया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स इसको पुश कर रहा है तो N1 एक्शन ऑफ ए, ये ग्रेविटी को नीचे पुश कर रही है MG, ग्रेविटी उसको रिएक्शन दे रही है। इसके ऊपर फोर्सेज यानी ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, उसकी वजह से ये अर्थ को पुश कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ उसको नॉर्मल रिएक्शन दे रही है N2 या सरफेस जो नॉर्मल है, और सिंस इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो इट हैज टेंडेंसी टू मूव, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स है। इट कैन बी स्टैटिक फ्रिक्शन, कैन बी काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर स्लाइड हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन विल बी जीरो। ऑलराइट, देखिए नेक्स्ट। MG ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट अर्थ की वजह से, अर्थ उसको सेंटर की तरफ खींच रही। लिस्ट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पुली ए। ए का हमने अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ये अगर हमने लाइट पुली लिया इसको तो टेंशन से हम रहने वाले ये टी और ये टी। ऑलराइट, तो ये हो गए, और वेट नहीं दिखाएंगे, लाइट पुली लिया हमने, MG छोड़ देंगे, और सिंस इसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है ये सपोर्ट के ऊपर, तो ये इसका किधर लगेगा इसके लिए हम लोग इसको दो पार्ट में रिएक्शन ले लेते हैं, एक वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सपोर्ट इन वाई डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सपोर्ट इन एक्स डायरेक्शन, तो NY एंड NX यहाँ पर, ठीक है। तो उसका वैक्टर सम कुछ इधर आएगा, सम में डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ टेंशन एंड ऑल, ठीक है। तो ब्लॉक पे देखेंगे, ऑन द बॉय देखते हैं, यहाँ पर बॉय को अर्थ नीचे खींच रही है M-G, तो सरफेस उसको रिएक्ट कर रही है N-, और ये थ्रेड को नीचे खींच रहा है ना, तो थ्रेड उसको ऊपर खींचेगा, रिएक्शन होगी T ऊपर, ठीक है। ये नीचे खींच रहा है तो थ्रेड उसको ऊपर खींचेगी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक का देखते ही नीचे हैंग कर रहा है, अर्थ उसको खींच रही है ना, इसको हम लोग इसको M1 ले लो, और इसको M2 ले सकते हैं ना, ब्लॉक को माप दिए क्या नहीं दिए, इसको M2 ले लो। ऑल राइट, M2G इसका वेट हो जाएगा, और टेंशन ऊपर लाइट थ्रेड होगी तो टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट पुली लाइट एंड थ्रेड लाइट, तो बस इस ब्लॉक पे दो ही लगेंगे, T द टेंशन, F इज द फ्रिक्शन। अच्छा, मैन के ऊपर फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा क्या, चलो देखते हैं। फ्रिक्शन विल नॉट बी देयर, अगर ये आगे मूव कर रहा है, अभी मोशन की टेंडेंसी नहीं, नीचे ही खींच रहा है, तो फ्रिक्शन विल बी जीरो, टेंडेंसी टू मूव होगा तब फ्रिक्शन लगेगा, तो इसको हटा दो, नो टेंडेंसी टू गो अहेड, एंगल पे कुछ होगा तब देख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिगर शोज बॉय पुलिंग द वैगन ऑन द रोड, लिस्ट एज मैनी फोर्सेज एज यू कैन विच आर रिलेवेंट विद दिस फिगर, फाइंड द पेयर ऑफ फोर्सेज कनेक्टेड बाई द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ट्रॉली का ले लेते पहले, ये ऐसे टेंशन लग रहा है इसके ऊपर, वेट भी है उसका MG, ग्रेविटी खींच रही नीचे, यहाँ पर कॉन्टेक्ट पॉइंट है, नॉर्मल रिएक्शंस आएंगी, पुलिंग है तो अर्थ को ये पीछे दबाएगी इधर, तो अर्थ उसको आगे पुश करेगी फ्रिक्शन से, ठीक है। फ्रिक्शन टेंडेंसी टू गो, मतलब टेंडेंसी पुश बैकवर्ड, तो इम्पेंडिंग मोशन उसका फॉरवर्ड होगा, तो फ्रिक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इवन इफ चल नहीं रहे, सपोज हम लोग ग्राउंड को पुश करते नीचे तो हमारे ऊपर फ्रिक्शन आगे पुश करते, ठीक है। मैन का देखेंगे,
वेट, नॉर्मल रिएक्शन, सिंबल चेंज करते हैं N1, N2, N3 हो जाएगा ये, है ना। और ये खींच रहा है इसको तो टेंशन आएगा उससे, यहाँ पर इधर टेंशन हमेशा सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग की तरफ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्राउंड के पीछे पुश करे तो ग्राउंड आगे, टेंडेंसी टू मूव, है ना। इसका कंपोनेंट ये इसको बैलेंस करेगा अगर रेस्ट पर है तो, ये वाला कंपोनेंट नीचे आ जाएगा इसको बैलेंस करेगा, ये दोनों मिलके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फिगर शोज द कॉट कंप्लीट द टेबल शोन बिलो। टेबल देखो हमने फिल की है, वेट, कॉट का वेट जो है नीचे रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ मैन, ये इसको मतलब एक्शन करेगा यहाँ पर एन से, ये भी तो ग्रेविटेशन फोर्स है, वेट ग्रेविटेशन फोर्स है, एक्शन ऑफ मैन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अर्थ यहाँ पे आएगी कुछ, सिंबल्स N1 N2 होने चाहिए, ठीक है। सिंबल्स हम नीचे डायग्राम में देख लेंगे। चलो रॉड है ये, है ना, ये इसको खींचेगी ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन, ये ग्राउंड को पीछे पुश कर रहा है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, डायरेक्शन भी दिए देखो। अभी हमने फ्री बॉडी डायग्राम से देख लें क्या, देखो ये वेट नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर एन टू है, मैन का एक्शन हमने N1 लिया इसलिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन N2 लिया, और ये हाथ में उसके थ्रेड स्ट्रिंग जो है उसका टेंशन आएगा, है ना, वो अपनी तरफ खींचेगा तो स्ट्रिंग बैकवर्ड खींचेगी उसको, और फ्रिक्शन देखो ये ग्राउंड को चलने के लिए ग्राउंड को पीछे पुश करेगा तो फ्रिक्शन उसको आगे पुश करेगा, अर्थ का जो फ्रिक्शन है उसको आगे पुश करेगा तो आगे चलेगी ये। ऐसे इसका देखते हैं, हॉर्स का वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन अर्थ सरफेस के ऊपर, और टेंशन जो ये इसको आगे आगे जा रहा है तो टेंशन पीछे, और रॉड का भी ये आगे खींच रहा है तो जो रॉड नीचे कनेक्टेड है सपोर्टिंग रॉड जो है उसका टेंशन, और ग्राउंड को पीछे पुश कर रहा है तो फ्रिक्शन आगे। मैन का देखते हैं, वो सिटिंग है, उसका वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, M1 M2 M3 दे सकते हैं बट डजंट मैटर। नीचे तो जो सरफेस है उसने सरफेस को एक्शन N1 किया था तो उसकी रिएक्शन N1 ऊपर आएगी, और टेंशन ऑफ कोर्स टी, सब लाइट थ्रेड लेके टी, ये स्ट्रिंग को पीछे खींच रहा है टेंशन इधर खींच रही है ना, इधर खींच रहा है तो ये टेंशन उसको इधर खींच रही है। फ्रिक्शन अभी ये आगे जा रही है, सपोज कॉट आगे जा रही है क्या, इफ कॉट इज गोइंग अहेड, इट इज़ गोइंग अहेड है ना, इफ एट ऑल इट इज़ गोइंग अहेड तो इसको कौन आगे लेके जा रहा है, फ्रिक्शन, टेंडेंसी टू स्लाइड बैकवर्ड है, टेंडेंसी टू रिमेन देयर है, फ्रिक्शन आगे लेके जा रहा है नहीं तो गिर जाएगा वो पीछे जाके, फ्रिक्शन, और अगर रुकी भी है तब ये फ्रिक्शन जीरो आ जाएगा, फ्रिक्शन हमने इधर दिखाया हुआ है, और रुकी है तो फ्रिक्शन जीरो आएगा, नो टेंडेंसी टू मूव, देन दिस विल बी रिमूव्ड। इनके फ्रिक्शन नहीं है बिकॉज दिख रहा है बाय द स्टेप्स ऑफ द हॉर्स इट इज अप्लाइंग द फोर्स, है ना, तो कॉर्ट के ऊपर भी अप्लाई कर रहा है वो भी, मतलब ग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर रहा है और उसकी वजह से कॉर्ट के ऊपर भी फोर्स आ रहा है तो वो भी टेंडेंसी टू मूव है, बट मैन के साथ ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स ये थ्रेड अगर खींच रही है ना, ठीक है, तो इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट वी आर टेकिंग द फ्रिक्शन ऑफ द मैन ऑल्सो। डायरेक्शन देखो यहाँ पे हमने डायग्राम में सारी दिखाई हुई है, तो यहाँ पर भी लिखा है हमने, यहाँ पे भी एरोज दिखाए हुए हैं, तो ड्राइवर के ऊपर जो है चार फोर्सेस है, 1 2 3 4 और बाकी इन दोनों के ऊपर 5 5 है। ग्रेविटेशन फोर्स तो सबके ऊपर लगते ही है, बाकी कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, कॉन्टैक्ट है उनके साथ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये जस्ट यू कैन गो थ्रू
दिस टेबल एंड दिस वन. नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव वन चैप्टर फोर फोर्सेस. व्हेन नील बोर्स शुक हैंड्स विद द हेजनबर्ग व्हाट काइंड ऑफ फोर्स. इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स है, हाथ मिलाया, कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. नाउडेज इट इज रिस्की. कोरोना वायरस की वजह से जस्ट बेटर नॉट टू शेक द हैंड, से नमस्ते फ्रॉम डिस्टेंस. ओके, लेट ई जी एंड एन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स एट गिवन सेपरेशन. अरेंज करो उनको. तो इसमें देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स होता ही नेग्लिजिबल, वो सबसे कम रहेगा. नो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी वेरी स्ट्रांग एज कम्पेयर टू 10^36 के आसपास आएगा या उससे भी मोर आएगा एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स. यू कैन फाइंड आउट न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फार्मूले से निकालो. ओके, थर्ड, सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज जीरो. सपोज ये हमने सिस्टम ले लिया सर, ठीक है, ये दो पार्टिकल लिए प्लस प्लस, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना, तो इन दोनों का वेक्टर सम जीरो हो जाएगा. सपोज एक प्लस लिया एक माइनस लिया, तो फिर से अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों वेक्टर क्वांटिटी इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हो कुलामला से, फिर से ज़ीरो हो जाएगा. दोनों माइनस लिए रिपल्सिव फोर्स, फिर से इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन ज़ीरो. तो जितने भी पेयर्स होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ द चार्जेस पेयर में वो फोर्सेस जीरो होते चलेंगे. इसका क्या होगा, इसका ऐसे आएगा, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स कैंसिल करते चले जाएंगे, है ना, इंडिविजुअल पेयर्स के. नेट फोर्स इज जीरो इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ द चार्जेस. सारे पॉजिटिव होंगे तभी भी, सारे नेगेटिव होंगे तभी भी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होंगे तभी भी, इक्वल होना जरूरी नहीं. यहाँ पे सपोज हमने एक और ले लिया अनइक्वल है, इसका इसके साथ ऐसे पेयर बनेगा और इसके साथ ऐसा कुछ बनेगा, ये वाला पेयर इसका था, ठीक है, तो इसका ये ज़ीरो हो जाएगा, इन दोनों का ये ज़ीरो हो जाएगा. हमने इसमें तीन पॉजिटिव दो नेगेटिव लिए हुए, ठीक है, तो लाइक दिस. ऑलराइट, चलो इसको ये हटा सकते हैं अनइक्वल रखने के लिए. शैल आई रिमूव दिस. ओके, यहाँ पे देखते हैं 60 kg मैन पुशेस द 40 kg मैन बाय द फोर्स ऑफ 60 N. द 40 kg मैन हैज़ पुश्ड द अदर मैन विद व्हाट फोर्स. एक्शन रिएक्शन फोर्स 60 है तो 60 रहने वाला है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शंस. ऑल राइट, चलो फिर ऑब्जेक्टिव टू चैप्टर फोर फोर्सेस. न्यूटॉन एग्जर्ट फोर्स ऑन द प्रोटॉन विच इज. न्यूटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगा, दोनों के ऊपर मास होता है तो ग्रेविटेशन फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स भी होगा, न्यूक्लियस के अंदर है ये, न्यूक्लियॉन्स हैं तो न्यूक्लियर फोर्स भी रहेगा, विच इज अट्रैक्टिव इन नॉर्मल केसेस. बहुत पास आते तो रिपल्सिव भी हो जाता है, शॉर्ट और दूर चले जाते हैं तो नेग्लिजिबल हो जाता है. न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर्स में मॉडर्न फिजिक्स में. इट इज़ अनचार्ज पार्टिकल, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगा, कॉन्टैक्ट में नहीं, कॉन्टैक्ट में भी होने से बॉडी होनी चाहिए फुल, न्यूक्लियर वाली, न्यूक्लियर के अंदर कॉन्टैक्ट में होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस नहीं होते.
इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से मैग्नेटिज्म बनती है। प्रोटॉन एग्जर्ट ए फोर्स ऑन द प्रोटॉन विच इज, अभी प्रोटॉन प्रोटॉन है तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल भी होगा, न्यूक्लियर फोर्स भी होगा, इलेक्ट्रो ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर एंड सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है ना, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, मैग्नेटिज्म भी होती है उसमें स्पिन वगैरह से है ना। इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखना चाहिए यहाँ पे, मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन जनरल टर्म लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बट मीनिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ग्रेविटेशन है यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक है यस, न्यूक्लियर है यस, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ना। वीक फोर्सेस नहीं, वीक फोर्सेस किस में होते हैं, दे आर बिटवीन द पार्टिकल्स इन बीटा डिके। बीटा डिके में सपोज इलेक्ट्रॉन बना, एक न्यूट्रॉन बना, एक एंटी न्यूट्रिनो बना, उनके बीच का फोर्सेस होता है। बीटा डिके हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में। ऑल राइट, चलो फिर आगे देखते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, द न्यूक्लियर फोर्सेज बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। डिपेंड, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, ऑलवेज नहीं बोल सकते है ना, डिस्टेंस विल डिसाइड उनके बीच में। ऊपर जो क्वेश्चन किया था वो ग्राफ जो था उसमें कूलाम फोर्सेज ज़्यादा थे पहले, बाद में न्यूक्लियर फोर्सेज बढ़ गए थे, डिस्टेंस कम हुई थी। तो द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशन। हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स से काफ़ी हाई होता है, 10^30 से ज़्यादा ऑर्डर होता है, वेरी हाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, मैग्नेटिक वर्ड इज कन्फ्यूजिंग, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स मे बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मासेस की वजह से है, न्यूक्लियर जो बहुत दूर दूर पहुँच गए सपोज, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है ना, हो सकता है ना, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, तो डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो निग्लेजिबल हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स मे बी सिग्निफिकेंट। डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज बिटवीन टू प्रोटॉन्स मे बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन देम, यस। अब ऊपर जो हमने देखा था डिस्टेंस अगर ज़्यादा है ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट करते हैं, कम हो गई डिस्टेंस तब न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लगते हैं, है ना। बड़ी न्यूक्लियस हैं इसलिए रेडियो एक्टिविटी होती है, दूर दूर जो प्रोटॉन रहते हैं उनका स्ट्रॉन्ग फोर्स रिपल्सिव होता है तो निकलने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियस के बाद, तो बिकॉज ऑफ दिस नेचर शॉर्ट रेंज फोर्स की वजह से रेडियो एक्टिविटी भी होती हैवी न्यूक्लियस में, पर्टिकुलरली अल्फा डिके वाले जो केसेस होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स है शॉर्ट रेंज फोर्स, ये सब लास्ट के चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इफ़ ऑल द मैटर्स वर मेड ऑफ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे, फ्रिक्शन नहीं, टेंशन नहीं, और चेयर पे बैठना मुश्किल है, जैसे एक्शन रिएक्शन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, है ना, स्टेबिलिटी होनी चाहिए एक्शन रिएक्शन की वजह से, नेट फोर्स जीरो, कॉन्टैक्ट फोर्स होना चाहिए, फ्रिक्शन वगैरह होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं है तो स्लिप हो जाएंगे। अर्थ कुड नॉट मूव, ये करेक्ट इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज़ दिस, फॉर दिस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ रिवॉल्व होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स मे बी एडिक्यूटली डिस्क्राइब्ड बाय द क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स जिसमें न्यूटन, न्यूटन के लॉज लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेज लगते हैं, लॉरेंज फोर्सेज लगते हैं, वो पार्टिकल्स अप टू 10^-6 -6 तक, उससे इतने या इससे बड़े बट उससे भी छोटे हो गए, है ना, 10^-6 से भी छोटे हो गए तो क्वांटम फिजिक्स में आ जाता है, तो उसमें ये न्यूटोनियन लॉ वगैरह नहीं लगते, उसको क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन चेंजिंग टू प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा, ये आइटम्स के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पर क्वांटम फिजिक्स
ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड होता है उसमें, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, और ये सब जो है न्यूटोनियन फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स वी कॉल इट। ठीक है, ये क्वांटम फिजिक्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ऑल डिस्प्लेसमेंट्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इन विच केसेस द टेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल बी मैक्सिमम। तो या तो तुम उसको आउटवर्ड खींचो या अंदर दबाओ, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, तभी कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन विल बी मैक्सिमम। अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए तो ये चलना शुरू हो जाएगी, है ना। तो इक्वल फोर्सेज हुए तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, अनइक्वल हुआ तो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकती है या एलोंगेट हो सकती, बट अपोजिट और इनवर्ड, आउटवर्ड या इनवर्ड। तो ए, द राइट एंड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द राइट एंड, सॉरी टुवर्ड द राइट ये, एंड लेफ्ट एंड टुवर्ड द लेफ्ट ए। ठीक है, और डी में क्या है, बी में क्या है, बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड राइट, ऐसे तो कम कंप्रेशन या एक्सप्रेशन हो जाएगा, हो पाएगा। बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे किया तभी भी नहीं होगा, कम होगा, मैक्सिमम पूछा है ना। द राइट एंड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट ऐसे, और लेफ्ट एंड इज, इन दोनों केसेस में मैक्सिमम होगा ए एंड डी। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो सपोज ये बुक रख दी तुमने फिजिक्स की टेबल पर, है ना, ठीक है। एक्शन कौन कर रहा है उसके ऊपर, बुक किसके ऊपर एक्शन कर रही है, रिएक्शन टेबल का ऊपर आएगा। ठीक है, ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सपोज ये N1 से प्रेस करेगी तो ये भी N1 आएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड, हैव अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट है, हैव रिजल्टेंट जीरो, N1 माइनस अपोजिट है, ये देखो जीरो। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट गोज, ऑल आर करेक्ट। That's all now. Thank you. Keep working hard. All the best.